साथियों, सरकार बदलने का क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला लेकिन इधर उधर से मिला करके बन गई। एक मिलावटी सरकार यहां बन गई। अब यहां पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, मैंने बताया। मेरे आने से पहले क्या सवाल थे, मेरे आने के बाद क्या सवाल थे, और आज अभी नई नई सरकार बनी है, मिलावटी सरकार है, इधर उधर से कुनबा जोड़ करके बनाई है। अब सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, 10 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, कर्ज माफी के वायदे का क्या हुआ? दस दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले थे, उसका क्या हुआ? साथियों, यही कांग्रेस की सच्चाई है। झूठ बोलना, फरेब करना, मतदाता को गुमराह करना, यही कांग्रेस का चरित्र है। वो एक बार चुनाव के समय जो पोस्टर छपा लेती है उसे कई दशक तक चलाती है। 50-60 साल पहले उसने चुनाव के समय गरीबी हटाओ वाला पोस्टर छपवाया था। आज तक वो उसी पोस्टर से काम चला रही है। हर चुनाव में कांग्रेस वही पोस्टर निकालती है, बस नामदार की फोटो बदलती रहती है। कभी पुरुष की आवाज, कभी महिला की आवाज, और गरीबी हटाओ बोलते रहते हैं। एक कर्ज माफी वाला पोस्टर भी कांग्रेस ने 10-15 साल पहले छपवाया था। आप राजस्थान वालों को आज क्या हो गया है भाई, रह रह करके जुस्सा आता है। आपको जो चाहिए वो आएगा आएगा। मैं आपके इस प्यार के लिए आपका नमन करता हूं। आपका ये जुत्सा, ये उत्साह जयपुर में बैठे कांग्रेस के नेता और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता, वो डॉक्टरों को फोन कर रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है। एक कर्ज माफी वाला पोस्टर भी कांग्रेस ने 10-15 साल पहले छपवाया था। हर चुनाव से पहले वो ये पोस्टर फिर अलग अलग राज्यों में चिपका देती है। राजस्थान में भी उसने यही किया।